नमस्कार, PMLS इंडिया प्राइवेट लिमिटेड तरफ से सबको बहुत बहुत शुक्रिया। आज 16/7/2022 को हम लोगों का कोच अटेंडेंट बॉय पोस्ट के लिए विशाखापट्टनम से दिल्ली रूट के लिए कोच अटेंडेंट बॉय पोस्ट में 3 आदमी आज ज्वाइन कर रहा है। वो लोग कल से ड्यूटी करेगा, तो उसका साथ हम लोग बात कर लेंगे, उसको सब कुछ जानकारी है क्या नहीं। पहला, आपका नाम क्या है भाई? खलील मोमिन। हाँ, खलील मोमिन। अच्छा, आप कहाँ से आए हो? मालदा टाउन से। मालदा टाउन से। अच्छा, आपको पास लेटर आईडी कार्ड मिला है? मिल गया। अच्छा, आपका नाम क्या है भाई? अंजुल। अच्छा, आप कहाँ से हो? मालदा टाउन से। अच्छा, आपको सब कुछ मिल गया है? अच्छा, आपका नाम क्या है? मिथुन राव। अच्छा, आप कहाँ से हो? साहिबगंज झारखंड जी। अच्छा, आप बीकी का दोस्त हो जी? अच्छा अच्छा, जो बीकी अभी काम कर रहे हैं उसका अपना दोस्त हो, मतलब अभी वो ऑन ड्यूटी में है जी। वो आपको भेजा है जी। अच्छा, आप लोगों का साथ आपको कौन भेजा है? हमारा साथ हमारा एक दोस्त है आज़ाद भैया, आजाद शेख उसका नाम है, मालदा से। अच्छा अच्छा, वो हम लोगों का साथ जुड़ा हुआ है, वो हम लोगों को आदमी प्रोवाइड करता है, तो आप उसका तरफ से आए हो। उसका रेपुटेशन भी अच्छा है, वो आदमी सही है, उसका साथ हमारा रिलेशन बहुत ही अच्छा है, तो आप उसका तरफ से इधर में आए हो, मतलब आपका कोई भी दिक्कत होगा, आजाद भाई का लड़का का कोई भी दिक्कत होगा तो हम लोग ज़रूर आपको हेल्प करेंगे। जो एजेंसी थ्रू आता है उसको हम लोग पूरा गाइड करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और आप बीकी का तरफ से आए हो, बीकी तो काम कर रहे हैं, आपका भी कोई दिक्कत होगा तो हम पूरा आप लोगों को सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अभी हमको जो पूछना है, आप लोगों को काम का बारे में पूरा जानकारी है ना? जी सर, पूरा जानकारी है। बेडरोल का काम है, देना लेना, और आपको कोच को एक बार क्लीन रखना ये देखना है, और साथ में आपका सैलरी का जो स्ट्रक्चर है 18,700 जो PAPSI लेके गवर्नमेंट का सैलरी लेके वो हो रहा है, लेकिन आपका सैलरी 15,750 और गवर्नमेंट का 17% जोड़ के आपका 18,700 का आसपास आपका सैलरी है, तो आपको काट कूट के हाथ में 14,000 का आसपास सैलरी मिलेगा। अच्छा, आपको रहने का जगह फ्री में मिलेगा, खाना अपना मिलेगा, क्योंकि खाने का व्यवस्था है, बर्तन वर्तन सब कुछ आपको बना के खाना पड़ेगा, और ट्रेन में पेंट्री में आपको 350 रुपया में पूरा ट्रिप का खाना मिलता है, लेकिन खाना का पैसा अपना को देना पड़ेगा, ठीक है। हर महीना 10 से 15 तारीख का अंदर आपको सैलरी मिल जाएगा। आपका काम का बारे में कोई भी कुछ दिक्कत है? बाद में बोलोगे नहीं ना जी हमको ये नहीं बोला गया वो नहीं बोला गया? अच्छा, और एक ठो बात हमको बोलना है, आप लोगों को भी बोलना है, हम लोगों का टेंडर जहाँ भी रहेगा आप लोग ट्रांसफ़र हो सकते हो, और नहीं तो ट्रांसफ़र नहीं भी होगे, हमारा टेंडर ख़त्म भी हो जाएगा तो आपका नौकरी कभी नहीं जाएगा, जो दूसरा टेंडर आएगा वो टेंडर आपको टेकओवर कर लेगा, ठीक है। और कोई भी काम का दिक्कत होगा तो हम लोग पूरा आपका साथ रहेंगे, हेल्प करेंगे, लेकिन आप लोग काम छोड़ के चले जाओगे तो किसी का कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, हमारा भी नहीं है, और आपको जो आज़ाद भैया भेजा उसका भी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं रहेगा, ये आप जानते हो ना। बाद में आज़ाद भाई को आप बोलोगे जी हम काम छोड़ के आ गया, हमको ये प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है, इसका रिस्पॉन्सिबिलिटी आज़ाद भाई नहीं लेगा। आप लोग मंजूर हो? अच्छा, आप ये सब सिस्टम आपको पता चल गया। अच्छा, और एक तो सबसे फाइनल बात है पैसे का मामला, आप लोग को पता है ये प्राइवेट जॉब है, ये कोई गवर्नमेंट जॉब नहीं है, ये कंपनी जॉब है, आपका साथ एग्रीमेंट में वो लिखा है, परमानेंट बेस में आपको नौकरी दिया गया है। अच्छा, उधर में एक बात लिखा है, आप लोग देखा है जब आपका पास एक खर्चा लिया जाता है, किस लिए लिया जाता है, आपका इतना पैसे का सामान आपका पास रहता है, कोई चोरी वोरी चला जाता है, कोई प्रॉब्लम हो जाता है तो हमारा कंपनी लॉस में चला जाता है, लड़का भाग जाता है तो वो पूरा लॉसेस हमारा ऊपर चढ़ जाता है, उसीलिए लिया जाता है। और आप लोग कोई एजेंसी थ्रू आते हो तो उसको कुछ सर्विस चार्ज पे करते हो, तो वो सर्विस चार्ज से हमारा रेल से कोई संबंध नहीं है, और हमारा कंपनी से भी कोई संबंध नहीं है। बाद में आप रेलवे में जाके
आप बोलोगे हम इतना पैसा दे के आए, उतना पैसा दे के आए, लाखों लाखों रुपया दे के आए। यहाँ पर कोई लाखों रुपया दे के आए हो क्या? नहीं सर। नहीं आए हो ना, तो बाद में कोई गलत बात बोलना नहीं है। गलत बात बोलोगे तो बाद में बोलोगे हमको जोर जबरदस्ती घुसाया है, जोर जबरदस्ती हमको साइन कराया है, हमको सिखाया गया है, ऐसा बोलना नहीं है। ऐसा कोई गलत बात बोलोगे तो उसी टाइम में तुम्हारा नाम में कंप्लेन हो जाएगा, केस करेंगे हम लोग, क्योंकि हम कोई गलत बोल के तुमको घुसाया नहीं। आप लोग जानबूझ के काम में घुस रहे हो, आप लोग काम करने के लिए तैयार हो, तो अभी हम वीडियो यहाँ पर समाप्त करते हैं। अच्छा, आज़ाद भाई को थैंक यू बोल दो, और तुम विकी को थैंक यू बोलो। थैंक यू विकी भाई। ओके, चलो भाई, टाटा।